Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Print in Japan of Class 10th History, Chapter Number 5. So Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around 768 to 770 AD. So we saw that China se hand printing ki jo technology hai wo shuru hui. So China se jo Buddhist missionaries hain wo Japan jaate the. बुद्धिस्ट मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज वो पर्सन होते हैं जो कि अपने धर्म को एक तरीके से प्रोपगेट करते हैं, दूसरे लोगों को अपने धर्म के बारे में सिखाते हैं. जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन मिशनरीज, हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे पढ़ा हुआ है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे. तो मिशनरीज बेसिकली जो अपने धर्म के बारे में प्रचार करते हैं. तो बुद्धिस्ट मिशनरीज मतलब ऐसे लोग जो अपने बुद्धिस्ट जो धर्म है उनका बुद्धिज्म है उसके बारे में जब वो दूसरे जगह जाके बातें करते थे, उनको सिखाते थे. तो चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज गए जापान में और वो वहां पे अपने साथ हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी लेके गए. मतलब कि चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उनको हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आती थी. तो जब वो जापान गए तो उन्होंने वहां के लोगों को हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया. सो 768 टू 770 जो ईयर है उसकी बात है ये लगभग. एडी मतलब सो बेसिकली क्या है कि जो जीजस क्राइस्ट का बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट, उसको जीरो मान दिया गया है. एंड उनके बर्थ से पहले जो भी पीरियड है उसको बिफोर क्राइस्ट बीसी कहा जाता है या फिर बीसीई कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, दोनों एक ही चीज है. ये जीजस क्राइस्ट के बर्थ से पहले है. अब जीजस क्राइस्ट के बर्थ को हमने क्या लिया, जीरो लिया. तो इसके बाद के जितने भी पीरियड है उसको एडी लिया जाता है. एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है ईयर ऑफ गॉड, या फिर सेम पीरियड को हम सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 768 टू 770 एडी, इसका मतलब ये वाला जो पूरा समय चल रहा है जीजस क्राइस्ट के बर्थ वाला, जो बर्थ के बाद वाला जो पीरियड है उसमें 768 टू 770 जो ईयर है उसमें. जैसे आज आप देखोगे आज क्या चल रहा है 2000. अब 2000 आप एडी भी कह सकते हो, 2000 सीई भी कह सकते हो. ठीक है, तो हमारा अभी जो समय चल रहा है ना वो एडी वाला समय है. ठीक है, आज से लगभग 2024 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था. ठीक है, तो वो वाला ये जो पूरा समय है इसको हम एडी कहते हैं, एनो डोमिनी. और इससे पहले वाला, जीरो से पहले वाला जो भी समय है उसको बीसी बोला जाता है. तो आई होप कि इस चीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. यहाँ पे एडी लिख दिया है बट नॉर्मली एडी में जब हमें एनो डोमिनी वाले पीरियड की बात करनी होती है तो हम एडी स्पेसिफिकली नहीं लिखते हैं. नॉर्मली ये होता है जब हमें ये बताना होता है कि बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात की जा रही है तो हम स्पेसिफिकली बीसी लिखते हैं. बट यहाँ पे इन्होंने चलो लिख दिया है तो आई होप ये चीज क्लियर होगी कि मतलब आज मान लो 2024 साल चल रहा है ना, तो यही सेम लाइन में आप पीछे जाते जाओगे तो 768 टू 770 वाला जो पीरियड है उसके टाइम पे जापान में इंट्रोड्यूस की गई थी हैंड प्रिंटिंग. द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन एडी 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. तो जापानीज बुक, पहली जापानीज बुक जो कि प्रिंट की गई थी वो है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा और ये 868 जो ईयर है उसमें प्रिंट की गई थी. कंटेनिंग सिक्स शीट्स, ये जो डायमंड सूत्रा है बुक है इसमें 6 शीट्स थी एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस थे. मतलब कि वुडकट इलस्ट्रेशंस मतलब कि वुड ब्लॉक पे जो पेंटिंग है वो बनाई गई, उसके बाद उसको कार्व किया गया और कार्विंग के बाद उस पे इंक लगा के वो जो पिक्चर है उसको छापा गया पेपर पे. तो जैसे ये वुडकट से लेटर्स लिखे जा रहे हैं, अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं, वैसे ही वुड कट से पेंटिंग भी की जा रही थी. मतलब इलस्ट्रेशंस की जा रही थी, इलस्ट्रेशंस मतलब जैसे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो वो भी वुड कट का इस्तेमाल करके ही किया जा रहा था, वुड ब्लॉक्स को यूज करके. पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल. तो ये वुड कट इलस्ट्रेशंस कैसे बनाई जाती थी, सबसे पहले पिक्चर्स को टेक्सटाइल पे बनाया जाता था. टेक्सटाइल मतलब ऐसे कपड़े के टुकड़े पे, पहले कपड़े पे जो पेंटिंग है वो बनाई गई. ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी. इसके अलावा जो पिक्चर्स हैं उनको प्लेइंग कार्ड पे भी छापा गया, पेपर मनी पे भी छापा गया. मतलब कि अब जो पिक्चर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे छापी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ बुक में ही इलस्ट्रेशंस नहीं थी बल्कि जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं उनको अलग अलग जगहों पे प्रिंट किया जा रहा था. टेक्सटाइल पे प्रिंट किया जा रहा था,
प्लेइंग कार्ड्स जो ताश रहते हैं, ताश के पत्ते, उन पे भी प्रिंटिंग हो रही थी वुड कट इलस्ट्रेशंस की मदद से, एंड पेपर मनी पे भी जो पिक्चर्स हैं वो प्रिंट की जा रही थी इस टेक्नोलॉजी के मदद से. इन मिडिवल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट. तो मिडिवल जापान में क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पोएम्स वगैरह लिखने लग गए और वो अपने जो भी उनके काम हैं, जो भी उन्होंने पोएम वगैरह लिखे उसको वो प्रिंट करवा रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिश करवा रहे थे. और ये टाइम अब ऐसा था कि इसमें बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं छपने लगी थी और बुक्स बहुत ज़्यादा सस्ती थी और काफ़ी मात्रा में अवेलेबल थी. प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटीरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. अब क्या हो रहा है कि देखो आपने यहाँ पे कि पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलस्ट्रेशंस, मतलब कि अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग से पिक्चर भी हो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं है बल्कि अब इमेजेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. तो इमेजेस की मदद से क्या हुआ, नए पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इमर्ज हुए. इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट एडो, लेटर टू बी नोन एज टोक्यो, इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट्स, कोटेशंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स. सो 18th सेंचुरी के दौरान एडो, जो कि आज का टोक्यो है, वहां पे बहुत सारी जो प्रिंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो दिखाई जा रही थी, प्रिंट हो रही थी. ठीक है, तो टोक्यो जो है 18th सेंचुरी के टाइम पे काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, अर्बन सिटी बन रहा था. तो इस टाइम पे अलग अलग पेंटिंग्स जो है वो प्रिंट की जा रही थी, जिसमें अर्बन सिटी का अलग अलग जो एस्पेक्ट है वो दिखाया जा रहा था. एलिगेंट अर्बन कल्चर था इन पेंटिंग्स में, आर्टिस्ट वगैरह थे, ठीक है, कोटेशंस को शो किया जाता था, टी हाउस गैदरिंग्स की पिक्चर होती थी कि लोग मिलके बात कर रहे हैं, है ना. तो इन सारे जो सीन्स हैं उनकी पेंटिंग्स एडो यानी कि टोक्यो में बहुत ज्यादा छपने लगी थी. लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स. और अब इतनी ज्यादा बुक्स हो गई थी कि जो लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स हैं उनमें पूरी बुक्स भरी रहती थी. वो भी कैसे बुक रहती थी, जो कि हैंड प्रिंटेड, क्योंकि अभी तक जापान में भी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ही आई है, तो हैंड प्रिंटेड मटेरियल जो है वो पूरा भरा रहता था. और अलग अलग तरीके की बुक्स थी, जैसे कि वुमेन के ऊपर बुक थी, मतलब अब बुक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हर एक टॉपिक के लिए अलग से बुकें आ रही थी. वुमेन के ऊपर बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बुक्स थी, कैलकुलेशन से रिलेटेड बुक थी, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस. तो अलग अलग लाइफ के आस्पेक्ट्स पे बुक्स थी अलग अलग, कि फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर एटिकेट कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है. तो ये सारे जो एटिकेट्स हैं इनके ऊपर बुक थी, कुकिंग के ऊपर बुक थी, क्या खाना कैसे बनाना है, फेमस प्लेसेस से रिलेटेड बुक्स थी. तो अब जापान में जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी इन बुक्स को पब्लिश करने के लिए वो हैंड प्रिंटिंग की ही टेक्नोलॉजी थी. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जापान में जो बुक्स हैं उनके साथ साथ इमेजेस भी प्रिंट की जा रही थी, जिनकी वजह से लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता था बुक्स पढ़ने में. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये डायमंड सूत्रा का एक पेज है, उसका यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे दी हुई है. उसके बाद ये है त्रिपिटक का कोरियाना, बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी. प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स ऑफ त्रिपिटक का कोरियाना आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. ये जो पिक्चर आपको दिखाई हुई है ये एक्चुअली पता क्या है, ये वुड ब्लॉक्स है. जो त्रिपिटक का कोरियाना है उसको लिखने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स बनाए गए थे, ताकि वो जो वुड ब्लॉक्स है उन पे इंक लगा के प्रिंट किया जा सके. तो ये जो पूरा कलेक्शन है जो आपको दिख रहा है ये उन वुड ब्लॉक्स का कलेक्शन है, 80,000 वुड ब्लॉक्स का कलेक्शन है. एंड ये जो कलेक्शन है त्रिपिटक का कोरियाना के वुड ब्लॉक्स का, इसको यूनेस्को मेमोरी में भी इंक्लूड किया गया, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर. तो इसको 2007 में इंक्लूड किया गया था. सो ये त्रिपिटक का कोरियाना क्या है, ये कोरियन कलेक्शन है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का, और उसको प्रिंट करने के लिए इस तरीके से वुड ब्लॉक्स बनाए गए थे, और जिसको अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया हुआ है. अब यहाँ पे एक आर्टिस्ट के बारे में बताया हुआ है जो कि काफी ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था आर्ट में. So, Kitagawa Utamaro, born in Edo in 1753, was widely known for his contribution to an art form called ukiyo. तो जो Kitagawa Utamaro हैं, इनका जन्म एडो यानी कि टोक्यो में हुआ था 1753 में, और ये बहुत ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं इनके एक आर्ट के लिए, ukiyo. ukiyo जो आर्ट फॉर्म है
इस फॉर्म में, इस आर्ट में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उकियो क्या होता है? पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। उकियो का जैसे लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो इसका मतलब है पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, की तैरते हुए दुनिया की पिक्चर्स, और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, या फिर उकियो के कैसे पिक्चर्स हैं। उकियो एक ऐसी आर्ट है जिसमें कि जो नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उनकी पिक्चर दिखाई जाती है, कि लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपने अर्बन सिटीज में लोग किस तरीके से रहते हैं, तो उन सबके बारे में जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उनको उकियो कहते हैं। दीज प्रिंट्स ट्रेवल टू कंटेम्प्रेरी यूएस एंड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट लाइक मैनेट मोनेट एंड वैन गो। तो किताबावा उत्तमारू की ये जो पिक्चर्स थी उकियो आर्ट फॉर्म की, जब ये यूएस गई, यूएस एंड यूरोप गई, तो वहां पे जो अलग अलग आर्टिस्ट थे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जैसे मैनेट मोनेट वैन गो, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं वो किताबावा उत्तमारू की जो पेंटिंग्स हैं उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। पब्लिशर्स लाइक सुताया जुजाबुरो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट्स एंड कमीशनड आर्टिस्ट हु ड्रू द थीम इन आउटलाइन। तो जो पब्लिशर्स होते थे, पब्लिशर्स कौन होते हैं, जो बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, तो वो क्या करते थे, वो किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते थे कि अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पेंटिंग्स बनवानी है। तो जब उनके दिमाग में एक सब्जेक्ट आ जाता था कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनवानी है, तो फिर वो आर्टिस्ट को हायर करते थे, कि जो पेंटर्स हैं एक तरीके से उनको वो हायर करते थे कि आपको इस टॉपिक पे पेंटिंग्स बनानी है, इस थीम पे पेंटिंग बनानी है। Then a skilled wood block carver pasted the drawing on a wood block and carved a printing block to reproduce the painter's lines. तो होता क्या था कि जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने आर्टिस्ट को बोला कि आपको इस पर्टिकुलर थीम पे पेंटिंग्स बनानी है। जैसे उन्होंने बोला कि आपको डेली एक आम जिंदगी में जो घर का माहौल रहता है वो आपको दिखाना है, कि जापान में नॉर्मल लाइफ में घर में क्या सीन रहता है, तो वो आपको दिखाना है। तो जो आर्टिस्ट है उसने पेंटिंग बना दी, ठीक है, उसने जब पेंटिंग बनाई तो उसके पेंटिंग बनाने के बाद वो पेंटिंग दी जाती है एक वुड ब्लॉक कार्वर को। जो वुड ब्लॉक एक तरीके से जो पर्सन वुड ब्लॉक पे कार्विंग करता है वो क्या करता है, वो इस लकड़ी के ब्लॉक पे पेंटिंग को चिपका देता है। चिपकाने के बाद उसको वो आउटलाइन कर देता है कि हाँ ये ड्रॉइंग है, ये पिक्चर है। और जब वो उस पिक्चर को लकड़ी पे चिपका देता है उसके बाद वो उसकी कार्विंग करता है ताकि आउटलाइन जो है वो ड्राइंग की आ जाए। और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में जो पेंटिंग है वो खराब हो जाती है, जो ओरिजिनल ड्राइंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो ओरिजिनल ड्राइंग क्या की उसने लकड़ी पे चिपका दी और उसके बाद उसकी कार्विंग कर दी, उससे क्या हुआ जो बाउंड्री है ड्राइंग की वो उभर के आ जाएंगे, और उसके बाद ये जो कार्विंग का मतलब वुड ब्लॉक बना इस पे इंक लगा के फिर कहीं पे भी वो जो पेंटिंग है उसको बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ, जो ओरिजिनल ड्राइंग थी वो तो खराब हो गई बट उसके प्रिंट्स बच गए। अब उस वुड ब्लॉक से आप हजारों सेम ड्राइंग्स बना सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, बस उस पे वुड ब्लॉक पे इंक लगानी है और उसको पेपर पे स्टैंप करना है ताकि वो ड्राइंग उभर के आ जाए पेपर में। तो इस तरीके से जो ये पेंटिंग्स है, जो ये इलस्ट्रेशंस हैं बुक्स में बनाई जाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन उकियो प्रिंट बाय कितागावा उत्तमारू। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये उकियो प्रिंट है जिसमें एक औरत जो है वो अपने आप को शीशे में निहार रही है। इसी तरीके से आप दूसरी पिक्चर यहाँ पे देखोगे, अ मॉर्निंग सीन उकियो प्रिंट बाय शुनमैन कुबो लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे एक मॉर्निंग सीन दिखाया हुआ है कि सुबह सुबह का क्या सीन है, और ये भी एक उकियो प्रिंट है, क्योंकि उकियो प्रिंट का मतलब बेसिकली क्या है, आप रोजमर्रा के जो अर्बन लाइफ है उसका एक्सपीरियंस दिखा रहे हो। एक मैन जो है यहाँ पे, एक आदमी जो है वो खिड़की से बाहर देख रहा है बर्फ को, एंड जो वुमेन है वो टी प्रिपेयर कर रही है, चाय बना रही है, और दूसरे जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है वो कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चाय वगैरह बनाई जा रही है, और मतलब सब ना सब कुछ ना कुछ काम में यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये जो आदमी है वो खिड़की से बाहर बर्फ को, स्नोफॉल को निहार रहा है। तो इस तरीके से एक अर्बन सिटी के सुबह मॉर्निंग का सीन जो है दिखाया हुआ है एक घर का। तो बेसिकली इस तरीके से जापान में प्रिंट जो है आया, जो चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं वो जापान में इस टेक्नोलॉजी को, हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को लेके गए, और जब एक बार जापान में ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बुक्स वगैरह प्रिंट होने लग गई, और अब जापान में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेजेस भी प्रिंट करी जा रही थी। तो वो भी हमने देखा कि किस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में इमेजेस प्रिंट की जा रही थी। उकियो के बारे में समझा, जो कि एक तरीके का आर्ट फॉर्म है, और एक फेमस आर्टिस्ट कितागावा उत्तमारू के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी।